संजू सिटी पैराडाइज के दो ब्लॉक्स ऑलरेडी हम उनके नाम जानते हैं, वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट एंड अवामी ब्लॉक, लेकिन जहां पे ऑलरेडी बुकिंग्स हो रही हैं 18,50,000 वाला रेट, उस ब्लॉक का नाम क्या है? बेसिकली न्यू सिटी पैराडाइज ने कोई नया ब्लॉक नहीं निकाला, जिस तरह पहले इस्लामाबाद में रहने वाले लोग जानते हैं, रावलपिंडी में रहने वाले लोग जानते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने एक ब्लॉक निकाला था, उसका नाम था अवामी ब्लॉक, और फिर ब्लू वर्ल्ड सिटी ने दूसरा ब्लॉक निकाला था वाटर फ्रंट ब्लॉक। तो सेम इसी तरह अब तक न्यू सिटी पैराडाइज ने उन दोनों ब्लॉक को बस छापा ही मारा है, रेप्लिका ही किया उनका, लेकिन ऑफिशियली अभी तक कोई ब्लॉक जो अनाउंस नहीं हुआ। ऑफिशियली सबसे पहले अगर आपको ब्लॉक लॉन्च होना चाहिए, जैसे 18,50,000 की बुकिंग थी 5 मल्ला प्लॉट की, जिसमें कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस शामिल थे 18,50,000 रुपये में, आई थिंक 12,95,000 की कीमत थी इसकी 3.5 मल्ला प्लॉट की, उसकी भी अभी तक सोसाइटी ने कोई स्पेसिफिक ब्लॉक या कोई सेक्टर रिजर्व नहीं किया कि इनको इस ब्लॉक में बैलेट किया जाएगा। तो सोसाइटी की तरफ से ऑफिशियली, क्योंकि 6 से 7 माह हुए प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए हुए, अभी तक सोसाइटी की तरफ से बहुत सारी चीज़ों पर लैग है। नंबर वन कि जो सोसाइटी ने अपना मैप लॉन्च करना था, जैसे लॉन्चिंग की थी, लॉन्चिंग के साथ ही सोसाइटी को अपना मास्टर प्लान एटलीस्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि इसमें ये डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, एक इसमें 10 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, 11 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, 12 डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, तो पहला लैग तो वहाँ पर आता है। दूसरा लैग कि जिन मेंबर्स ने 18,50,000 वाले प्लॉट की प्रोक्योरमेंट की थी, उन मेंबर्स को अभी तक ये नहीं पता कि उनको किस ब्लॉक में बैलेट किया जाएगा। रिसेंटली कंपनी की जो बैलेटिंग की पॉलिसी आई थी, उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि 18,50,000 वाले प्लॉट जिन मेंबर्स ने खरीदे थे, उन मेंबर्स को बैलेटिंग की फीस और उसके अलावा जो दूसरी फीस बनती है पोजेशन चार्जेस, इन दोनों चार्जेस को छोड़ के बाकी सारी अमाउंट क्लियर करें तो आपको प्लॉट नंबर एलोकेट हो जाएगा। सिर्फ इतनी अनाउंसमेंट है जो अब तक न्यू सिटी पैराडाइज की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस की गई है। बाकी साइट में अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पर डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी हो रही है, जीडी रोड पर प्रॉपर एक्सेस बन गया है, उसके साथ अंदर जाते हैं तो आपको हरो रिवर की सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा काम नजर आता है, उसके ऑपोजिट साइड पर काफ़ी काम नजर आता है, फिर जहाँ से M1 मोटरवे के ऑपोजिट साइड पर देखते हैं तो वहाँ पर साइट में काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो रही है, तो साइट के डेवलपमेंट की स्पीड आगे है। जहाँ तक मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन की स्पीड है वो बहुत पीछे है, क्योंकि मेंबर्स को अभी तक किसी ब्लॉक का नाम नहीं पता, मेंबर्स को ये नहीं पता कि प्लॉट बैलेट होंगे तो कहाँ बैलेट होंगे, मेंबर्स को ये नहीं पता कमर्शियल प्लॉट कहाँ पे बैलेट होंगे, कब बैलेट होंगे, मेंबर्स को ये नहीं पता कि हमें पोजेशन सोसाइटी की तरफ से कब ऑफर किया जाएगा। इवन दो के साइड पर अभी बहुत सारी स्ट्रीट्स ऐसी हैं, बहुत सारे कह लें कि लेन्स ऐसी हैं जहाँ पर सोसाइटी कारपेटिंग कर चुकी है, सीवरेज काम मुकम्मल कर चुकी है, स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल कर चुकी है, लेकिन सोसाइटी की बेसिकली जो मार्केटिंग की टैक्टिक हैं और डिलीवरी की टैक्टिक हैं उनकी आपस में स्पीड मैच नहीं करती। मार्केटिंग वाइज जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे जा रही है, क्योंकि कंपनी को एटलीस्ट अपने मेंबर्स को यहाँ तक तो इन्फॉर्म करना चाहिए कि उनके कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन से ब्लॉक्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, बैलेटिंग की पॉलिसी, कोई मेंबर अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे लोकेशन चूज़ करना चाहे उस मेंबर के लिए क्या पॉलिसी है, तो मेंबर अगर RDOs क्लियर करता है, डिस्काउंट की पॉलिसी, इस तरह मल्टीपल पॉलिसीज हैं यूनिवर्सिटी पैराडाइज की तरफ से अभी तक मिसिंग है। मोस्ट ऑफली आने वाले दिनों में जब सोसाइटी मजीद डेवलप होगी, मजीद आगे पेस तेज़ करेगी, तो ये चीज़ों को इन टॉपिक्स को भी एड्रेस किया जाएगा। राइट नाउ ये टॉपिक जो हैं ये अनएड्रेसेबल हैं, इनको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया।